भागलपुर पुलिस ने निरंजन हत्याकांड को अंजाम देने वाले दो शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को सिटी एसपी राज ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। सिटी एसपी ने बताया कि 17 अप्रैल की रात नाथनगर थाना क्षेत्र के चौकी नियामतपुर निवासी निरंजन कुमार की अज्ञात अपराधियों ने बंगाली टोला में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। एसपी राज ने कहा कि हत्याकांड में शामिल शूटर सुशील मंडल को मुंगेर से गिरफ्तार किया गया, जबकि संजय मंडल को उसके घर से दबोचा गया है। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। एसपी राज ने बताया कि निरंजन मंडल की हत्या रुपये लेन देन के विवाद को लेकर हुई थी। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल एक अन्य अपराधी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं पकड़े गए अपराधी से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी नियामतपुर के रहने वाले निरंजन कुमार को रात्रि में 8 बजे करीब अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार दिया गया था। इस मामले में पूर्व में एक लड्डू साह को गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो मेन शूटर की गिरफ्तारी अभी बाकी थी, लेकिन कल रात्रि को थानाध्यक्ष नाथनगर और DIU की टीम ने सुशील कुमार मंडल जो कि बिशनपुर थाना बिहपुर नवछिया, संजय मंडल जो कि बिहपुर थाना नवछिया, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और इन्होंने अपने स्वीकृति बयान में यह बात को कबूल किया है कि यह बम जो कि लड्डू साह का बेटा उसके कहने पे और ये लड्डू साह इन दोनों के कहने पे इन दोनों ने गोली चलाई और ये दोनों शूटर थे। इन दोनों ने कबूल किया है कि दोनों ने गोली चलाई थी। इनके साथ अन्य अपराधी भी थे घटनास्थल पर, जिनके लिए छापेमारी किया जा रहा है। और ये विवाद कुल मुख्य रूप से पैसे का विवाद, जो कि निरंजन कुमार के द्वारा लगातार लड्डू साह और उनके बेटे से मांग किया जाता था, और इसी से वो इसके इलाके ये पूरे जो है प्लान को उन्होंने कंस्पायर किया और उसकी हत्या की गई। इस संबंध में जो घटना में प्रयुक्त बाइक था पल्सर, उसको भी बरामद किया गया है और हथियार बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। और अन्य भी कौन कौन इसमें अभियुक्त थे उनके बारे में पता चला है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया। कहाँ के शूटर थे, इनका कोई हिस्ट्री भी है आपराधिक हिस्ट्री? चूंकि थाना बिहपुर के रहने वाले हैं नगछिया, और इसलिए इनका भी हम लोग हिस्ट्री पता कर रहे हैं। ये लोग को लाया गया था इसके लड्डू साह उनके बेटे के द्वारा कि उसको जो है गोली मारने के लिए। शूटर को हायर के लिए कुछ पैसे भी दिए थे? इसमें लगातार पूछताछ की गई है, लेकिन अभी इस बात को कबूल नहीं किया गया। लेकिन स्वाभाविक है कि जब शूटर हायर किया गया तो कुछ ना कुछ उसके एवज में हथियार बरामद करने का प्रयास किया गया कल रात्रि में। लेकिन इनके द्वारा बताया गया है कि संभवतः कुछ छुपा कर या फिर फेंकने की बात की गई। कितने में तय हुआ था सर ये मामला? चूंकि ये इनके द्वारा ये बात कबूल नहीं किया जा रहा है कि कुछ पैसे का बात, लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब कोई शूटर हायर किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसको एवज में दिया जा गया होगा। कब केस दर्ज हुआ था सर? 17/4 रात्रि 8 बजे की घटना ये है, और इस संबंध में नाथनगर में 193/24 केस दर्ज किया गया था। पूर्व में एक अभियुक्त और आज 2 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में चार्ज किया। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक नवगछिया पूरन कुमार झा ने गुरुवार को जानवी चौक इस्माइलपुर तटबंध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तटबंध की मजबूती और निर्माण कार्य प्रगति का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ से बचाव के लिए 11.5 किलोमीटर लंबे नए बांध के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्माण कार्य में तेजी लाए और इसे जल्द से जल्द पूरा करे। इसके अलावा DM ने कटाव रोधी कार्यों की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि इन कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नवगछिया और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम लोग नवगछिया साइड में जो गंगा के तटबंध का निरीक्षण है, उसमें मैं SP नवगछिया, हमारे SDO, SDPO, कार्यपालक अभियंता के साथ पूरी टीम निरीक्षण कर रहे हैं। कई जगहों पर काम भी चल रहा है, कई जगह पर रिवर के हम लोग रूट को भी देख रहे हैं। रिवर का रूट कई वर्षों में लगातार बदला है, तो हम लोग जो वल्नरेबल पॉइंट है उसको चिन्हित कर रहे हैं। और एक जो है करीब 11.5 किलोमीटर के बांध का हम लोगों ने प्रपोजल भी भेजा है, ताकि हमारे भागलपुर में खास करके नवगछिया पार्ट की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और हम लोग प्रयासरत हैं कि जितना जल्दी भी कार्य हो उसको कराया जाए। एक मैं आपके माध्यम से हम सभी आम आवाम से अपील करेंगे,
कि जो भी कार्य चल रहा है इसमें हम आम जनता के जीवन को सुगम बनाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए ये काम कराया जा रहा है, तो हमारी पूरी टीम को वो मदद करें, कोई सूचना हो तो हमारी पूरी टीम को बताएं और एक दूसरे के सहयोग से ही हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका सभी का सहयोग अपेक्षित है। भागलपुर सहित देश भर में गुरुवार को सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। सुबह से ही वट वृक्ष के समीप सुहागिन महिलाओं की पूजा अर्चना के लिए भीड़ लगी रही। इस दौरान महिलाओं ने पति की दीर्घायु होने की कामना के लिए वट वृक्ष की परिक्रमा कर रक्षा सूत्र बांधा और अपने अखंड सौभाग्य की कामना की। दरअसल सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा और व्रत करके अपने सतीत्व और तप के बल से अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से जीतकर पुनः जीवित कर लिया था। यही कारण है कि इस व्रत का नाम वट सावित्री पड़ा। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा के समय महिलाएं अपने अपने बाल में बरगद के पत्ते लगाती है और पूजा के बाद वट वृक्ष को पंखा झेलने की भी परंपरा रही है। वहीं इसके बाद महिलाएं अपने पति को भी पंखा झलती है। वहीं नवविवाहित महिलाएं सज धज कर परिवार एवं अन्य महिलाओं के साथ पारंपरिक गीत गाती हुई वट वृक्ष के समीप पहुंचकर पूजा अर्चना की। बता दें कि महिलाओं का यह महत्वपूर्ण पर्व होने के कारण इस व्रत का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। अच्छा लगता है पूजा करने में, खुशी मिलता है, पति का आयु बढ़ता है पूजा करने से। हम लोग चाहते हैं भगवान को सात जन्म सदा स्वागत रखे व्रत को करने से, हमको संतुष्ट मिलता है, अच्छा लगता है। हर वर्ष करते हैं? हर वर्ष करते हैं। जैसे शादी हुआ है, शादी होने से मेरा आज 22 साल हो गया, तब से व्रत कर रहे हैं। भगवान करे हम जैसा दिन सदा सुहागन रहेगी, व्रत करते रहे। आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। आज के दिन महिला जो व्रत करती है अपने पति के सौभाग्य के लिए, जीवन पूर्ण जीवन दान मांगने के लिए ये व्रत किया जाता है। क्या नियम निष्ठा है इस पर? निष्ठा नियम यही है कि आज के दिन जो है स्नान ध्यान कर करके अपना श्रृंगार समुचा सज सज करके बट के गाछ के नीचे जो है कच्चा धागा उसमें लपेट करके फल फूल धूप दीप नवेद आदि से पूजन किया जाता है। उसके बाद आज के दिन जो है अरवा भोजन भी किया जाता है, मीठा भोजन। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के छात्र मृदुल मान्य आनंद ने नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में टॉप किया है। मृदुल ने 720 में से 720 अंक प्राप्त कर अपने माता पिता दादा दादी और पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। मृदुल की इस सफलता पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मृदुल ने बताया कि बचपन से ही उन्हें मेडिकल साइंस में रुचि थी और वे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें परीक्षा में टॉप करने पर काफ़ी खुशी मिल रही है। वहीं मृदुल के माता पिता अपने बेटे की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि मृदुल बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहा और आज उसका यह सपना पूरा हो गया है। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रणव कुमार और पप्पू यादव ने भी मृदुल और उनके परिवार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मृदुल की सफलता पूरे इलाके के लिए गर्व की बात है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दें। बता दें कि मृदुल की प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही स्कूल में हुई थी, जिसके बाद वह दिल्ली में एक निजी इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी की। मेरा नाम शंभुनाथ यादव, अवकाश प्राप्त जूनियर वारंट अफसर फ्रॉम एयर स्कूल। हाल ही में नीट का रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें आपके पोते का 720 में 720 अंक लाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा आज्ञाकारी होगा, संस्कारी होगा और बचपन से माँ बाप का गार्जियन का कहना करेगा, अच्छी तरह से उसको सुनेगा और समझेगा और उसको अच्छी तरह से एड दिया जाए जो उसको चाहिए, तो वो आगे बढ़ेगा। उसकी तैयारी कहाँ से की गई थी, कहाँ रहते हैं? तैयारी तो हम दिल्ली का है, तैयारी दिल्ली, सिर्फ दिल्ली में ही बचपन से पढ़ा है, तो वहीं आकाश से लिया है, आकाश से लिया है, और सब जगहों पे पढ़ा है। ये तो दो तीन बार परीक्षा दिया है और सब जगह, ये तो नीट का मेरा ख्याल है पहली बार ही है।